साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मयंक है। मैं सर्जन हूं और दूरबीन विधि विशेषज्ञ यानी कि आगरा में कार्यरत हूं और यहां पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अभी फ़िलहाल में मैं सिनर्जी अस्पताल में अटैच हूं और वहां पर सारी सर्जरीज करता हूं। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन पर बात करने के लिए यहां मैंने ये लाइव सेशन रखा है। इसमें हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी के बारे में। इस समय कोविड महामारी को देखते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे मरीज जिनको ये तकलीफ़ है या जिनको इसके सिम्टम्स हैं वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि मिलते नहीं हैं। वो अस्पताल जाने से डरते हैं, अस्पताल जाने में उनको बीमारी लगने का डर रहता है। तो उनके कुछ शुरुआती स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उनका जवाब हम आज देंगे। जिसके जो भी सवाल होंगे वो उनको डायरेक्ट लिख कर भेज सकते हैं और उसका जवाब हम आपको यहाँ पर देंगे। पित्त की थैली की पथरी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम देखते हैं कि आम ज़्यादातर सभी घरों में किसी न किसी को ये बीमारी रही होती है और इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है। जब तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, कोई ज़्यादा दर्द या कुछ और बीमारी का सिम्टम नहीं आ रहा है, तब तक कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास दवाई या सर्जरी की शायद आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जबकि हमको सर्जरी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, उसके कुछ तकलीफ हो रही हैं, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टी होना, पेट में भारीपन लगना, गैस बनना, किसी को पीलिया हो जाए, तेज दर्द के साथ बुखार हो, या ऐसे सिम्टम्स बार बार आते हों, थोड़े थोड़े दिन पर रिपीट हो रहे हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना एकदम आवश्यक है। ये छोटी सी बीमारी है, कुछ पथरी, छोटी सी पथरी, बड़ी पथरी, ये सब आराम से ऑपरेशन के द्वारा क्योरेबल डिजीज़ है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसके भीषण परिणाम हो सकते हैं, बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी कई बार हमको देखने में आती हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसी कुछ तकलीफें हैं कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द चल रहा है, साथ में उल्टी होती है या उल्टी की इच्छा होती है, या पेट में भारीपन रहता है, खाने के बाद ज़्यादा डकारें आती हैं, खाना ऐसा लगता है कि पचता नहीं है, तो एक बार डॉक्टर से मशवरा करना आवश्यक है। अगर इन सिम्टम्स के साथ आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो रूटीनली आपके कुछ जांचें कराएंगे, जिसमें एक पेट का अल्ट्रासाउंड और कुछ खून के टेस्ट हैं। पेट के अल्ट्रासाउंड पर हम ये चेक करते हैं कि क्या पित्त की थैली में पथरी है या कोई और बीमारी तो नहीं चल रही है जिसके कारण पेट में दर्द या ये सारे सिम्टम्स आ रहे हों। लिवर के भी टेस्ट कराए जाते हैं जो ये देखने के लिए होते हैं कि क्या लिवर पे कोई और तकलीफ आ रही है या पीलिया बन रहा है, वो पथरी नीचे अगर नदी में गिर गई है तो उसके कारण पीलिया तो नहीं बन रहा। तो रूटीनली आपका CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, ये तीनों चीज़ें करानी एक फर्स्ट स्टेप होता है जब ये तकलीफों के साथ आप जाते हैं। इन टेस्ट के बाद हमको अगर पथरी मिलती है तो फिर आगे के टेस्ट करने होते हैं, जिससे कि वो सर्जरी के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जिससे ये देखा जाता है कि क्या मरीज फिट है सर्जरी कराने के लिए या नहीं, और फिर उसके बाद सर्जरी प्लान की जाती है। लोगों के स्वाभाविक से क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमको पहले से पथरी थी या हमको पता था कि पथरी है, हमने पहले किसी कारण अल्ट्रासाउंड कराया, फिर वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पथरी का साइज़ बढ़ गया, पहले 10 मिलीमीटर थी या 12 मिलीमीटर हो गई, तो अब उनको क्या करना है, ये बढ़ रही है या कभी देखा तो ये घट रही है, कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक बार यदि पथरी है और हमको उसकी तकलीफें हैं, उसके सिम्टम्स हैं, तो ऑपरेशन होना है। पथरी के साइज से ऑपरेशन का कोई रिलेशन नहीं है। छोटी पथरी के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं और बड़ी पथरी के कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो साइज पर हमको नहीं जाना है, ये देखना है कि हमको उससे क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। इसके बाद अगर किसी को पीलिया होता है, अगर किसी को तेज दर्द के साथ बुखार भी आ रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या हमको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। पीठ में दर्द होना पैंक्रियाटाइटिस की भी निशानी है, कि इसका मतलब होता है कि पथरी नली में गिरी है और पैंक्रियास में इन्फेक्शन आ रहा है।
तो यदि हमको पहले से पथरी की तकलीफ है, हम जानते हैं और पीठ में दर्द अभी अचानक तेज उठा, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना आवश्यक है और पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है, उसको रूल आउट करना है जांचों के द्वारा, और अगर है तो इलाज करना है। अगर पीलिया है तो पित्त की नली में पथरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड, कई बार MRI ये सब कराना पड़ता है, और अगर नली में पथरी है तो वो ERCP विधि से उस नली को साफ कराना पड़ता है। एक बार जब हमने देख लिया कि नली में पथरी नहीं है या कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बराबर तकलीफ चल रही है, बराबर दर्द हो रहा है, तो ऑपरेशन कराना ही एकमात्र रास्ता है। ये ऑपरेशन आज के समय में दूरबीन विधि से किया जाता है। इस ऑपरेशन को दूरबीन विधि से करने में 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, मरीज काम पर जल्दी से जल्दी लौट सकता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की नहीं है। हाँ, फिटनेस ज़रूरी है। कई बार 60 साल से ज़्यादा या 60-65 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में कार्डियक, सांस की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत या कोई और अंग की दिक्कत, तो उसको पहले एक ऑप्टिमाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। वो आपके डॉक्टर, आपके स्पेशलिस्ट, उस जिस जो उम्र है और जो पुरानी तकलीफें हैं उसके हिसाब से किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस हमने जैसे बात की, कई बार नज़रअंदाज कर दिया, पित्त की थैली में पथरी पड़ी हुई है, बहुत दिन से है और हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, तो वो पित्त की थैली को ख़राब कर सकती है, वो गल सकती है, सड़ सकती है पित्त की थैली, और कई बार फट भी जाती है, जिससे पेट में सेप्टिक फैलने का डर बना रहता है। अगर छोटी पथरी है और वो नीचे गिर जाती है तो नली में फंस के पीलिया दे सकती है, पीलिया के साथ तेज बुखार, जिसको हम कोलेंजाइटिस भी कहते हैं, वो हो सकता है। और अगर वो पैनक्रियास की ग्रंथि को रोकती है तो उससे पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक छोटी सी पथरी के द्वारा भी हो सकती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो एक बार डॉक्टर से मशवरा लेना है। अगर हमको पुराना पहले से पता है कि हमको पित्त की थैली में पथरी है और कोई तकलीफ नहीं हो रही है उस पथरी के साथ, तो हम ऐसे भी चल सकते हैं। एक रेगुलर सर्वेलेंस के द्वारा साल साल के अंतराल पे हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहें, चेक करते रहें, और अगर सिम्टम्स हैं और मालूम है कि पथरी है तो इलेक्टिव बेसिस पे जब भी जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेट करवा सकते हो, ऑपरेट करा लेना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस आज के समय में काफ़ी कम हैं। आज के समय इस सर्जरी को बहुत सेफली और अर्ली डिस्चार्ज और अर्ली रिटर्न टू वर्क के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए सर्जरी में लेट नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से लोगों के कुछ और सवाल भी होते हैं कि जैसे गुर्दे की पथरी होती है, हम उसको कुछ अलग दवाइयाँ लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, उससे क्या कम हो जाती है, तो पित्त की थैली के विषय में ऐसा नहीं है। उसकी पथरी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। आप बाकी सामान्य अदर दवाइयों के द्वारा उसको नीचे नहीं धकेल सकते और उसको घोल भी नहीं सकते। गुर्दे की पथरी पेशाब के साथ, मूत्र के साथ निकल जाती है, लेकिन पित्त की थैली अगर नीचे की पथरी अगर नीचे गिरती है, नली में आती है, तो उसके काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हमको नीचे नहीं गिरने देना है। बहुत से मरीज ये भी पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ पथरी निकलवा दें पित्त की थैली को खोल के और पित्त की थैली को वहीं बना रहने दें? ऐसा नहीं है। वो इसका इलाज सिर्फ पित्त की थैली निकालना ही है, उसको पूरा निकालना होता है, जिससे आगे दोबारा नई पथरी ना बनने पाए। तो इस के इलाज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि थैली को खोलकर, पित्त की थैली को खोलकर पथरी निकाला और पित्त की थैली बंद कर दिया। वो ऑलरेडी काम नहीं कर रही है, दोबारा पथरी तुरंत बनाएगी, जल्दी से बनाएगी, इसलिए उसको ऑपरेशन के द्वारा निकलवा देना ही सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। इसके अलावा क्या इसके बनने की वजहें एज सच, ये भी काफ़ी कॉमन सवाल है कि ये क्यों बनी, हमको ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि किताबों में डिस्क्राइब्ड हैं। शायद किसी एक मरीज को एक कारण से लेबल कर पाना संभव कभी भी नहीं हो पाता है कि इसको क्यों हुआ है, तो इसलिए हम कारणों की खोज में जाना यूजुअली अवॉइड करते हैं। पर यस, कुछ पिगमेंट स्टोन्स हैं, कई बार आपको एग्जामिन करेंगे और आपके टेस्टों के द्वारा निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन नटशेल अगर हम सम अप फाइनली जैसे कहें कि अगर आपको पेट के जो भी दर्द वाले सिम्टम्स जो मैंने अभी बोले, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टी होना, भारीपन रहना, अपच जैसा महसूस होना, स्पेशली पीठ में दर्द होना या बुखार के साथ पीलिया होना, ये सारे कोई भी सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें।
अतिशीघ्र डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना अल्ट्रासाउंड, अपने सीबीसी और एलएफटी के टेस्ट कराएं। इन टेस्ट के बेसिस पे अगर हमको पथरी जैसी बीमारी दिखती है, दिल की थैली में पथरी दिखती है, तो जल्दी ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पीलिया या पेंक्रियाटाइटिस होने की स्थिति में स्पेशलिस्ट के द्वारा इलाज करके पहले स्टेबलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पित्त की थैली पूरी की पूरी पथरी सहित निकाल दी जाती है और आगे इसके कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं रहती है, तो इसमें कॉमनली रहते हैं। और आशा करता हूँ कि इस दौर में, ऐसे समय में ये वीडियो लोगों की मदद करेगा, उनको हेल्प आउट करेगा। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम उसका आपको उत्तर देंगे और आपकी जिज्ञासा को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।